नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक के लगभग सभी कोटेदार सरकार के नीति के अनुसार कर रहे हैं राशन का वितरण। के मास न्यूज के द्वारा पड़ताल के अनुसार हर कोटेदार सही वितरण करते हुए मिले। जिनको राशन मिला उनसे पूछे जाने पर कोई शिकायत नहीं मिली। कोरोना वायरस बचाव हेतु घर से बाहर न निकलें, निकलें भी तो केवल जरूरी कार्यों के लिए। बचाव ही इस कोरोना महामारी का इलाज है। के मास न्यूज़ देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर टाइप करें के मास न्यूज़, देखिए ताज़ा तरीन खबरें। पेश है हमारे संवाददाता राम सुंदर की एक रिपोर्ट। मौजूद हैं इस समय हम आजमगढ़ जिले तरवा ब्लॉक क्षेत्र के बरेता ग्राम सभा में कोटेदार के यहाँ, जहाँ की आज राशन का वितरण हो रहा है। सरकार के नीति के अनुसार वितरण हो रहा है। इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस की महामारी ने सरकार को मजबूर किया कि राशन निःशुल्क वितरित करना पड़ रहा है। अब हम कोटेदार से बात करेंगे कि वो किस तरह से राशन को बांट रहे हैं। अमरनाथ सिंह कोटेदार से हम बात करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आज राशन का वितरण कर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे वितरण कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ बताइएगा कि किस तरह से आप वितरण यहाँ पे करा रहे हैं। जैसे लॉकडाउन को देखते हुए एक मीटर की दूरी बना के हम गल्ला वितरण कर रहे हैं। लाल कार्ड को फ्री बंट रहा है गल्ला, 15 किलो चावल, 20 किलो गेहूँ। जाप कार्ड वालों को प्रति यूनिट के हिसाब से, जो उनकी यूनिट है उस हिसाब से उनको गल्ला फ्री दिया जा रहा है। बाकी लोगों को प्रति यूनिट के हिसाब से 2 रुपये गेहूँ, 3 रुपये चावल के दर से पैसा लिया जा रहा है। सर, यही व्यवस्था चल रही है। महामारी के चलते हुए भीड़ ज़्यादा हो रही है, फिर भी हम लोग उसी में काम चला रहे हैं। पात गृहस्थी पे आप कितना कर रहे हैं? 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ, यूनिट के हिसाब से 5 किलो, जिसका 5 यूनिट है 25 किलो, जिसका 2 यूनिट है 10 किलो, 3 यूनिट है 15 किलो, हिसाब से बट रहा है। आपके माध्यम से मास्क वगैरह भी वितरित हो रहा है क्या? हाँ, वितरित हुआ था भाई, सब लोग देखे, कई कई मास्क लगाए हैं, कुछ लोग बाकी हैं। हाँ, बात करेंगे हम जो लोग राशन लेने आए हुए हैं उनसे बात करेंगे कि उनको राशन कैसे कोटेदार द्वारा वितरित किया जा रहा है। हाँ, आप अपना नाम बताएं। भिखारी है। कौन सा कार्ड आपका है? बीपीएल है। बीपीएल, कितना आपको राशन मिला है? 10 किलो। कितना पैसा आपका लगा है? 24 रुपया। 10 किलो राशन मिला है, 24 रुपये लगा, ठीक है। हम आगे एक लोग से बात करना चाहेंगे कि उनका कौन सा कार्ड है और उनको क्या मिला। आप बताएं क्या आपका कौन सा कार्ड है? मेरा जाप कार्ड है और यहाँ पे मुझे 20 किलो फ्री गेहूँ मिला है। गेहूं चावल मिला है? गेहूं और चावल 20 किलो बिना निःशुल्क मिले। पैसा आपने नहीं दिया? नहीं नहीं, पैसा नहीं दिया। कोटेदार आपसे पैसा नहीं मांगे? नहीं, पैसा नहीं मांगे, बोले फ्री वितरण है। सरकार की तरफ से वितरण काफ़ी अच्छा हो रहा है और लगभग हर जगह के हर कोटेदार इस चीज़ में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं शिकायत मिल रही है कि कोटेदार कुछ न कुछ कटौती कर रहे हैं। के मास न्यूज सभी कोटेदारों से अपील करता है कि इस कोरोना महामारी में, इस संकट के घड़ी में, आप किसी की अंत्योदय कार्ड हो या फिर जाप कार्ड हो या पात गृहस्थी कार्ड हो, उस पे राशन में कोई कटौती न करें। सभी लोगों से मेरी अपील है कि कोई कोटेदार किसी तरह का अगर धांधली करते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करें। नंबर है 80 90 90 53 00। आप देख रहे हैं के मास न्यूज, कैमरामैन नंदलाल कुमार के साथ मैं डॉक्टर राम सुंदर, तहसील संवाददाता लालगंज।